एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शुक्रवार को माँ भागवती को हरी चुनरी ओढ़ाई गई। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में चिंचाला स्थित माँ भागवती मंदिर पहाड़ी पर वृहद वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों, प्रकृति प्रेमियों, समाज सेवियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने, विद्यार्थियों और विद्यालयों के सदस्यों ने बड़ी संख्या में पौधे रोपे, जिसमें शुक्रवार को 2100 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर अर्चना चिटनिस ने कहा कि वृहद स्तर पर पौधे रोपकर उनकी देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक पेड़ माँ के नाम सबके दिल को छू लेने वाला है और सब एक इमोशन के साथ में, भावना के साथ में इस काम से लगे। धरती माँ के प्रति भाव, जन्म देने वाली माँ के प्रति भाव, और वो सारी माँ जो पड़ोस में है, जिसने नानी के तौर पर, दादी के तौर पर, मौसी के तौर पर, बुआ के तौर पर, चाची के तौर पर, बहन के तौर पर प्यार दिया है, उन सब के प्रति स्नेह और प्रकृति के प्रति स्नेह का ये आयोजन है, प्रयोजन है। और आज हम सब मिलकर भगवती माँ को हरियाली चुनरी उड़ा रहे हैं। हमारे जलगंगा संवर्धन अभियान और एक पेड़ माँ के नाम दोनों अभियानों के अंतर्गत भगवती माता मंदिर की पहाड़ी पर वृहद स्तर पर मनरेगा प्लांटेशन और वन विभाग के साथ समन्वय करके और सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया गया है। आज उसी के लिए सभी स्कूल के बच्चे, टीचर्स, महिलाएं, स्व सहायता समूह की और अन्य सभी संगठनों के लोग उपस्थित हैं। विधायक महोदय भी उपस्थित हैं। यही उद्देश्य है कि ये जो हमारा एरिया है भगवती माता मंदिर का, ये बहुत बड़ा, करीब 40 हेक्टेयर का एरिया हमारे पास है जो वाटर कंजर्वेशन और प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अभी प्लांटेशन शुरू किया है। इसके अलावा मनरेगा में यहाँ पर तालाब और जल संवर्धन के कार्य भी हम शीघ्र करेंगे। जो आज का जो कार्यक्रम था, इसमें माननीय विधायक मैडम के मार्गदर्शन में और हमारी पूरी फॉरेस्ट के रेंजर साहब है और पंचायत की पूरी टीम है, और यहाँ पे लगभग हम लोगों ने 2000 पौधों का भी साइट सेलेक्ट की है। इसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट के माध्यम से इसमें तार फेंसिंग की जाएगी, जिसमें जाली वाली तार फेंसिंग रहेगी ताकि कोई भी आवारा पशु या फिर कोई भी व्यक्ति घुस ना सके। इसके अलावा जन सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन की फैसिलिटी कराने के लिए लोगों को तैयार किया है, और जनता आप जिस तरीके से देख सकते हो कि आज बहुत सारे लोग आए थे, सभी का सहयोग रहेगा और लगभग हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे पौधे हमारे जीवित रहे। आज 2100 पौधे फलदार, छायादार और अन्य प्रजाति के लगाए जा रहे हैं, और वन विभाग की ओर से चारों ओर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी और ड्रिप पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी ताकि पेड़ जल्दी जल्दी बड़े हो जाए और पूरे के पूरे पेड़ बड़े हो जाए, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बुरहानपुर से करीब करीब 3 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, तो सारा पूरा बुरहानपुर इसका लाभ ले पाएगा, इसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट स्थल है।